कुमार राजपूत जी आप इधर आकर के बैठे, धन्यवाद। पचास रुपया श्रीमान जी राकेश कुमार इस्लाम राम सजीवन यादव नेता जी की तरफ से इस कार्यक्रम के लिए सहयोग राशि 11,000 रुपए से आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया है और हम बच्चों को आशीर्वाद दिया है। हम अपने नेता जी के लिए तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं। एक बार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे महान हस्ती हैं जो हमेशा हमारी और आपकी पहचान रहते हैं और युवाओं की शान रहते हैं। इनके दर से कोई भी शख्स कभी निराश नहीं जाता है और बहुमूल्य पुरस्कार देकर के अपनी सहभागिता को निभाते हैं। और भैया जी जो इस समय मंच पर आसीन हैं, हम निवेदन करते हैं आपसे कि आप अभी जाना नहीं और ये कार्यक्रम का समापन आप ही के शुभ हाथों से होना है, क्योंकि अभी तो फुर्सत के क्षण हैं आपके, हम समझते हैं। तो आप इस कार्यक्रम को थोड़ा सा सब्र और कीजिए। और भी यहाँ पर हमारी बहनें आने वाली हैं, बिमलेश, श्रीमती बिमलेश अहिरवार जी नौरंगा पंचायत सदस्य, और श्रीमती राजपूत चंद्रवती वर्मा कुछ ही क्षणों में मंच पर उपस्थित होने वाली हैं। आइए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आप यहाँ से सुने राजगोप का मंडल का जवाब। धन्यवाद, धन्यवाद मेरी ओर से भी। पुनः जो इशारा मिला है बड़ी अलग चीज है, शायद समझ में आ जाए, मैं प्रयास कर रहा हूँ। हर कोई हमें समझ ले वो चीज नहीं हम। लाल दीवान जी, अगर आपने हरि के लिए कहा तो मान लो कि ये हरि बोल रहा है जी। हरि अलग है, ओम अलग है, ओम अलग है, पंचाक्षरम मम मंत्रस्य इति, ये 15वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता बोल रहा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, वहां हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो मैं कहना चाहूंगा शॉर्ट में, आज मेरी स्थिति ठीक नहीं है। जय हो। हर कोई हमें समझ ले वो राज नहीं हम। हर कोई उठाए पहने वो ताज नहीं हम। गीतेश गुरु की गरिमा वो सतगुरु की चरण रज, जो 18वें अध्याय में कलम तोड़ जवाब दे रहे हैं कि अर्जुन तू कितना भी चाहे कि मैं लड़ना नहीं चाहूंगा, ये मेरे दादा है, ये मेरे ताऊ है, ये मेरे मामा है, अगर तूने केवल ओम तक ही तो भक्ति की है, इससे आगे होता तो बात अलग थी। और अगर अब भी जाना चाहे तो तू मेरा परम प्रिय, इसलिए मैं तुझे यह ज्ञान बता रहा हूं। लाल दीवान जी, तो मैं कहना चाहूंगा
कि हर कोई हमें समझ ले वो राज नहीं हम, हर कोई उठाए पहने वो ताज नहीं हम, और गीतेश गुरु की गरिमा वो सतगुरु की चरण रज, उनके सिवाय किसी के मोहताज नहीं हम। जय हो जय हो। आइए तालियां बजा करके आप मंचासीन हमारे आदरणीय गुरु गीतेश जी का स्वागत कीजिए। आइए इमिलिया गुप्त का मंडल मंच पर आए, इमिलिया गुप्त का मंडल। अभी तक मैं सुन रहा था माननीय जो आज की रूपरेखा है माँ बहने राधिका स्वरूपा शक्ति स्वरूपा मात्र पक्षी। देखिए ये समय बहुमूल हुआ करता है, इस समय हमारे जो महाराज जी हैं और इनको आप सुन लीजिएगा। गोप का मंडल आते रहेंगे जाते रहेंगे, समय सभी को मिलेगा, लेकिन दो मिनट के लिए सुन लीजिएगा, कुछ वाणी सुनने लायक हुआ करती है। धन्यवाद। आइए धन्यवाद, मुझे थोड़ा सा समय दिया। कहना चाहूंगा कि